even get some calls. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं साथ निभाना साथिया के बारे में, जो कि स्टार प्लस का एक पुराना सीरियल है। तो गाइज, ये सास बहू शो बहुत ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक शो था, और उस टाइम पे जो लोग सास बहू के शोज़ देखना पसंद करते हैं उनके तो घर घर में ये शो चलता था। अगर आपने ये शो देखा भी ना भी देखा हो तो ये रोल्स इतने ज़्यादा आइकॉनिक थे, जैसे कि गोपी बहू वगैरह के, जो आपने सुने ही होंगे कहीं ना कहीं इंटरनेट पर। और ये शो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तब से भी हो गया जब से प्यूडीपाई ने इस पर रिएक्ट किया था। तो गाइस, देवोलीना भट्टाचार्य जो कि बिग बॉस में दिखी थी लास्ट टाइम, वो इस शो में गोपी बहू का रोल प्ले करती थी। उससे पहले जिया करती थी, लेकिन वो उन्होंने शो में रिप्लेसमेंट हो गई थी उनकी। तो काफ़ी पॉपुलर ये शो था और लोग पसंद करते थे, बट फिर बंद हो गया था। और गाइज, इसके इस शो के रिवॉल्विंग हाइप वगैरह इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा जोक्स मीम्स वगैरह बनने स्टार्ट हो चुके थे, और जब प्यूडीपाई वगैरह ने रिएक्ट किया और धीरे धीरे लोगों के ध्यान में ये शो आने लगा। ऑल्सो अभी कुछ दिन पहले रसोड़ी में कौन ऐसा एक मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, ट्विटर फेसबुक हर सोशल नेटवर्क पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था कि 22 अगस्त पे जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड डीसी फैंडम ही हर जगह ट्रेंड कर रहा था, पूरे ट्रेंडिंग लिस्ट से भरे थे वर्ल्ड वाइड, तब भी ये ट्रेंड जो कि ये मीम वायरल था 5वें या 6वें नंबर पर था। को कुछ देर के लिए तो ये सह पाया था उस टाइम पे भी, जब पूरी दुनिया एक चीज़ के लिए ट्रेंड हो रही है उस टाइम पे भी इतना वायरल हो गया था। तो गाइस, ये जो इतना वायरल हो रहा है आजकल, इस करके मेकर्स ने ये सोचा कि क्यों ना अगर इस शो को अभी भी इतना ज़्यादा जाना जाता है तो इसको वापस लाया जाए एक नए सीज़न के साथ, नए एपिसोड्स के साथ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्टार प्लस पे सीज़न 2 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है साथ निभाना साथिया शो का। तो गाइस, इस शो को लॉन्च करने इंट्रोड्यूस करने के लिए देवोलीना और रूपल पटेल, जो कि कोकिला बहन का रोल प्ले करती थी, इन दोनों को लाया जाएगा। रोप इन कर लिया गया है, ये दोनों ही इंट्रोड्यूस करेंगी नया सीज़न जो कि सीज़न 2 होगा, और सितंबर में इसकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर में ये शो लॉन्च हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में। और गाइज, ये इंट्रोड्यूस कराएंगे सीज़न 2 को। गाइज, बाकी कास्ट में भी हो सकता है कई लोग सेम हो, बाकी मुझे पता नहीं अभी, लेकिन ये दोनों ज़रूर होंगे इस शो में। और बाकी कास्टिंग वगैरह जो बहुत ज़्यादा फुल तेज़ी चल रही है, और मेकर्स जल्दी से जल्दी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं इस शो की और जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके हाइप को, ताकि इसका ट्रेंड इंटरनेट पे चलता रहे और तभी तभी ये सीज़न 2 ले आएँ और पूरी तरह TRP वगैरह आए। पहले स्टार प्लस नंबर 1 पे है और इस पे कास्टिंग वगैरह चल रही है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये उस सीज़न की कंटिन्यूटी में नहीं होगा, उस सीज़न का की कंटिन्यूएशन प्रॉपर सीक्वल या प्रॉपर सीज़न नहीं होगा वो करेक्टर्स के साथ। ये पूरी तरह एक अलग शो होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, जैसे कि सजन रे झूठ मत बोलो का सीक्वल था गोलमाल, फिर गोलमाल का सीक्वल था सजन रे फिर झूठ मत बोलो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। तीनों अलग टाइप्स की स्टोरीज थी, बट सीज़न 2 सीज़न 3 का नाम, जैसे कि मे आई कम इन मैडम का सीक्वल आ रहा है सीज़न 2 आ रहा है जिसका नाम है एक्सक्यूज़ मी मैडम, तो ऐसे स्टोरी और करेक्टर्स अलग होंगे, बट ये दोनों को वापस इसलिए लाया जा रहा है, सेम करेक्टर्स में ही वापस लाएंगे वैसे तो, कुछ एपिसोड्स के लिए होंगे, कुछ उसके बाद शो को छोड़ देंगे ताकि इंट्रोड्यूस हो जाएं लोग नए शो के साथ, नए सीज़न के साथ, और इस करके ये दोनों को वापस लाया जाएगा, देवोलीना और रूपल पटेल को, इस शो के कुछ स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स के लिए। इसे आप एक रीबूट कह सकते हो, बिकॉज जो मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक फैमिली ड्रामा और उसके बीच एक लव स्टोरी, ऐसी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है सीज़न 1 का, बट करेक्टर्स वगैरह अलग होंगे, इस करके आप इसको रीबूट कह सकते हैं। और जो भी नए करेक्टर्स, अभी मेन एक्टर्स वगैरह की लिस्ट मेरे पास आएगी तभी मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, तो जो भी नए एक्टर्स होंगे, बिकॉज ये दोनों तो छोड़ देंगे कुछ एपिसोड्स के बाद। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस शो के जो भी आएंगे मैं सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले ये अपडेट्स मिल जाएं, आप अपडेटेड रहें इस खबर से। और भी स्टार प्लस के किसी भी शो की सबसे पहले खबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और भी पढ़िए, आप चेक कर सकते हैं चैनल, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, साथ ही फैंस के साथ ज़रूर शेयर करें, जो लोग देख रहे हैं इनके मीम्स वगैरह वायरल हो रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के नए वीडियो में, आज के लिए चलता हूँ, गुड बाय।